अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम शुक्र के साथ ठीक हूँ। अच्छा, मैंने आज जो है ना बिस्तर पर अपने बेड पर जो है इस तरीके से रेड रेड कंबल बिछाया हुआ, ठीक है, कोई बेडशीट नहीं है, ये कंबल है। हुआ सी कुछ यूँ है, यानी वजह कुछ इस तरह की है कि मैंने जो है ब्लैंकेट को इसलिए ऐसा बिछाया हुआ कि विंटर आ चुका है कराची में, ठीक है, अब आया है, यानी कल रात से जो है सीज़न कुछ बदल चुका है, मतलब वेदर कुछ बदल चुका है। मैंने जो है ना ब्लैंकेट धोया नहीं था, सही, कुछ वजह वजूहत थी कि वो धुल नहीं सका, तबीयतों के मसाइल वगैरह थे तो मैं लेट हो गई। अब मैं क्या करूँगी, मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मैंने कुछ चीज़ों से जमा की है, मतलब कुछ है सीखा है यूट्यूब से, तो मैंने कहा कि फ़ायदा उठाना चाहिए और आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। और मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ कि बैठे बिठाए 15 मिनट में मेरा ब्लैंकेट धुल जाएगा बिना पानी के, और झटपट घर में ही मेरे पास सारा सामान है 4-5 चीज़ों से, यानी 2-3 चीज़ों से, तो ये हैक जो है चुटकी बजाते हुए हो जाएगा 15 मिनट में। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मेरा कंबल जो है धुल जाएगा। तो आइए चलते हैं किस तरीके से होगा सब कुछ, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है, आप लोग भी ट्राई करना सही। तो जल्दी से पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से जो है लाइक ज़रूर करना, ठीक है, लाइक ज़रूर देना। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जी जनाब, तो ये मैंने ना मीठा सोडा ले लिया था, और ये मैंने ना मीठा सोडा लेने के बाद ना चारों तरफ ना छिड़क दिया था। छिड़कने से ये वजह थी, छिड़कने की ये वजह थी कि ये ना मैंने सर्फ का काम करेगा, यानी साबुन और सर्फ का काम करेगा मीठा सोडा ना, यानी अपने अंदर ना मैल ले लेगा और वॉश करने का काम करेगा ना। तो बस मैंने इस तरह से ना पहले एक साइड पे पूरा चारों तरफ अच्छी तरह से छिड़काव कर दिया था, उसके बाद जो है रगड़ाई की थी ब्रश की मदद से। अच्छा, ब्रश की मदद से रगड़ाई करने का तरीका ये बताया गया था कि जिस तरह से कंबल के बाल एक तरह प्लेन करो, एक तरह खड़े करो ना बालों को, कंबल के बाल, समझ रहे हैं ना आप लोग, तो जिस तरह से खड़े करने थे ना उस तरफ थे, उस तरफ से ना ब्रश को मारना था, यानी उस तरफ से ना हमें ब्रश को बाल जिस तरफ से खड़े होते हैं ना उस तरफ से हमें ब्रश को मारना था, यानी उस तरफ से जो है ना हमें ब्रश को ज़ोर ज़ोर से जो है ना ब्रश मारना था। तो देखिए कितनी काली मिट्टी आई है ब्रश के अंदर इस तरीके से ना पकड़ने वाला। ये एक ढक्कन मैंने ले लिया है, ठीक है, इस तरीके से पकड़ने वाला, और एक कपड़ा है, कपड़ा वाइट हो तो ज़्यादा अच्छा है, वाइट मेरे पास था लेकिन जो है ना वो वाइट इतना ऐसा नहीं था कि जो इस पर बांध सकूँ, वाइट लेकिन था। मैंने इस तरीके से कपड़ा ले लिया और इसको बांध दिया। ढक्कन होना ज़रूरी है पकड़ने वाला। सोडा, मीठा सोडा, सिरका और पानी, नीम गर्म पानी, ठीक है, ये बाल्टी में मैंने ले लिया। कपड़े धोने का ब्रश, ठीक है, और यह है मेरा ब्लैंकेट जो कि मैंने बिछा दिया है। इधर कंबल वॉश करने के लिए पानी को गर्म, पानी को नीम गर्म किया जा रहा है। अच्छा, यकीन करें, यकीन मानिए, ये हैक जो था बताया गया था 15 मिनट का, लेकिन 15 मिनट में तो मुझसे बिल्कुल नहीं हुआ। ये सिर्फ एक पार्ट जो था ना कंबल का, वो 1 घंटा लगा था, मुझे तो 1 घंटा लगा था, और मेरा हाथ इतना बुरी तरीके से पेन कर रहा था मैं आपको बता नहीं सकती। हालांकि मैं बहुत स्पीड में कर रही थी, लेकिन 1 घंटा लगा था, जो कि आप लोगों को तो मैंने चंद मिनट में ही करके दिखाया था, और ये चंद मिनट का काम नहीं था यार। 1 साल का कंबल जो था वो यूज़ किया हुआ था, हालांकि गंदा तो नहीं था, किसी का भी ब्लैंकेट गंदा नहीं होता, मिट्टी वाला होता है लेकिन गंदा नहीं होता, धब्बे वगैरह नहीं होते, तो सिर्फ ओढ़ा ही जाता है। तो मेरे ख़्याल से यह है कि आप सबको कर ही लेना चाहिए, इसमें क्या है, कोई बुराई नहीं है। हमें एक दफ़ा या फिर हादसाती तौर पे अगर किसी का ब्लैंकेट रह गया हो मेरी तरह, तो उसको भी कर ही लेना चाहिए, बेहतर रहेगा, बहालत मजबूरी बेहतर ही रहेगा, जैसे कि मैंने किया तो कर ही लेना चाहिए। और आजकल कराची में पानी के भी हालात जिस तरीके से हैं, जैसे मेरे लिए आजकल पानी के हालात भी हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कठिन मामला चल रहा है, तो कर लेने में कोई मज़ायका नहीं है।
तो मैंने कर लिया था, लेकिन ना एक घंटा लगा था सिर्फ एक पार्ट को, जो कि मैंने आपको दिखाया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने आपको एक ही पार्ट दिखाया था और एक घंटा लगा था और कोई 15 मिनट नहीं लगे थे। उन्होंने शायद वीडियो बनाने के लिए कहा हो या फिर उनका ब्लैंकेट साफ़ ही होगा। ज़ाहिर है हम यूट्यूब की एक हमारी एक अलग लाइफ होती है, कोई रियलिटी तो होती नहीं है, एक बनाव सिंगार होता है, एक बनावटी होती है, और यूट्यूब जो होती है वो सिर्फ ट्रेंडिंग और सिर्फ जो होता है एक कंटेंट होता है, झूठ होता है, झूठ पर ही हमारा सारा काम होता है, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन हम लोग छोटे यूट्यूबर होते हैं, हम तो भाई सच्चाई ही दिखा रहे होते हैं, हम डॉलर में मिलियन में तो कमा नहीं रहे होते, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह ताला हमें आजमाइशी हालात से बचाए, हमारे पता नहीं क्या वक्त हो अगर हम लोग भी बड़े यूट्यूबर बन जाएं, मुझे अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर का नहीं मालूम, लेकिन अभी जो है हम लोग सच्चे ही हैं, छोटे यूट्यूबर हैं तो हम लोग रियलिटी ही दिखा रहे होते हैं यार। हमें बहुत टाइम लगा था, ये मैंने इसकी सफाई की है इससे, अब इसको खंगालने लगे। ये मिट्टी मिट्टी हो गया, ये देखिए मिट्टी, मिट्टी हुई है, ये देखें मिट्टी आई है ना। अच्छा यार, बहुत मेहनत से मैंने ब्लैंकेट की सफाई की है, वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर देना यार, बहुत मेहनत से काम किया था मैंने। हरीम फातिमा मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है और हाथ बहुत ज़्यादा थक गया है, अल्लाह हाफिज़ बार बार कर रही हूँ, इजाज़त दो। और रंगत मेरी इतनी ख़राब हो गई, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, हाथ कांप रहे हैं, इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। यकीन मानो अच्छे कमेंट ज़रूर करना। और एक पार्ट है, दूसरी पार्ट दूसरे दिन ही करूँगी, हैक बड़ा मुश्किल था, मैं समझी थी बहुत हल्का फुल्का हैक होता, वाकई 15 मिनट में हो जाएगा, लेकिन ये 15 मिनट में नहीं हुआ यार, 15 मिनट में बिल्कुल नहीं हुआ। तो बस अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।